सबको नमस्कार, मेरा नाम विशाखा सतीश है। मैं आरपी सेंट्रल स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं अभी हिंदी दिवस के बारे में भाषण देने आई हूँ। सबको हिंदी दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर 1949 को भारत की 1930 संविधान ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा है रूप में स्वीकार किया गया। ये निर्णय भारत की संविधान द्वारा स्वीकार किया गया। पूरे भारत में सभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों का मातृभाषा भी हिंदी है, वहाँ भी हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस एक ऐसा दिन है जो हमें देशभक्ति भावना के लिए प्रेरित करता है। ये दिन हमें ये याद दिलाने का एक छोटा सा प्रेरणा है कि हिंदी हमारी आधिकारिक भाषा है और बहुत अधिक महत्व रखता है। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में मनाया जाने वाला हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया जाता है, जिसमें देश को राष्ट्रपति उन लोगों को पुरस्कार देते हैं। बहुत से लोग हिंदी पर कविता पढ़ना और हमारे संस्कृति के महत्व के बारे में बात करते हैं। यहाँ मेरे भाषण को अंत करने जाती हूँ। सबको धन्यवाद।